وصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العلي العظيم. انتهي قبل احترام मुकर्रम मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटी सी काल पर आपने अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाया। आज के दौर में देखा जाए, अगर कोई पैसा मांगे तो जेब से पैसा दे सकता है, अगर कोई खून का अतिया चाहे तो बाजू से खून निकाल कर दे सकता है। मगर हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुका है कि टाइम नहीं दे सकता। इंतहाई कीमती चीज इस वक्त वक्त टाइम। तो आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाया और साथ ही मैं आपका इस हवाले से भी मशकूर हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों से, शहरों से ताल्लुक रखने के बावजूद और इस्लाम के मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक होने के बावजूद एक पैगाम जो हर जगह हम देते चले आ रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक का पैगाम है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का पैगाम है, औलियाए किराम का पैगाम है, आइमाए तौहीदीन का पैगाम है, अस्हाबे किराम का पैगाम है, दवा में तौबा, दवा में वजू, दवा में सू, ये तीन चीजें। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक इन्हीं तीन चीजों को पसंद फरमाता है और इन्हीं तीन चीजों की तालीम देने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, औलिया किराम को विलायत का मुकाम अदा किया, आइमाए तौहीदीन की शान बढ़ा दी और अस्हाबे किराम को इस रोए जमीन पर हिदायत का चराग देकर भेजा। इन तमाम बुजुर्गान मासलह का पैगाम दवा में तौबा हमेशा ताइब रहना। अब तौबा एक अजीम नियामत है, बंदा कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, आलिम हो, जाहिल हो, कोई भी गुनाह से पाक नहीं है, गुनाह का है। और उन तमाम गुनाहगार बंदों के लिए पैगाम देता है रब जलाल, खुशखबरी सुनाते हैं, ए मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन बंदों से इरशाद फरमाए, मेरा पैगाम दे दे, तुम अपने गुनाहों की तरफ ना जाए, मेरा रहमत बहुत वसी है, हम तुम्हें बख्श देंगे। किसी साहबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
मैंने इस कदर गुनाह किया है, कोहे उह से भी बड़ा है मेरा गुनाह, समंदर की जाप से भी ज्यादा है, और रेत के जर्रात से भी मेरे जो गुनाह है वो ज्यादा है, बुराइयां ज्यादा है, क्या अल्लाह मुझे माफ करेंगे? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सिद्क दिल से तौबा करें तो तुझे अल्लाह ताला माफ करेंगे। इरशाद फरमा, अत्ताइबु मिना ज़म्बी कमा ला ज़म्बा, जो कोई अपने गुनाहों से तौबा करे तो गोया कि उसने गुनाह ही न किया, इस कदर वो बख्शा जाता है। यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम रहमत की तौबा, और दवा में तौबा के साथ दवा में जिक्र, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक अपने बंदों को अपना बंदा देखना चाहते हैं, किस कदर रहीम है, किस कदर करीम है, किस कदर शफीक है, सत्तारुल उयूब है, हमारी एक एक बुराई पर अल्लाह ताला हमें गिरफ्त में ले ले तो हमें दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं रहेंगे, मगर वो सत्तार और उयूब है, हमारी तमाम बुराइयों पे पर्दा लगाते हैं, और रब करीम यही चाहता है खालिक होने की हैसियत से, मालिक होने की हैसियत से, रोजे जजा का मालिक होने की हैसियत से मेरा बंदा मेरा जिक्र कर, या अय्युहल्लज़ीन आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए मेरे ईमान वाले कि आप जिक्र कसीर करें, तो ये है जिक्र कसीर, और दवा में तौबा, दवा में वजू, तीसरे नंबर पर आते दवा में वजू, हमेशा बावजू रहे, चूंकि हमारा खालिक को मालिक अल्लाह ताला पाक, अल्लाह ताला के जितने अंबिया इकराम है वो पाक है, अयमाए तौहीदीन पाक है, औलिया इकराम पाक है, दीन इस्लाम पाक है, कुरान मजीद पाक है, अगर हमारा रिश्ता उन तमाम पाक और पाकिजा हस्तियों से जोड़ना है तो हमें भी चाहिए कि हम पाक रहें। दवा में तौबा बातिनी तहारत का नाम है, दवा में वजू जाहिरी तहारत का नाम, जाहिरी पाकिजगी। अब जो जाहिरी और बातिनी दवा में वजू दवा में तौबा, जाहिरी और बातिनी तहारत जिसको हासिल हो, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए खुशखबरी सुनाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु तवाबीन व युहिब्बु मुतत्वहीन, अल्लाह ताला तौबा गुजार और बावजूद रहने वालों को पसंद करता है, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, किस कदर ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें हैं। अब मैं जिस आये मुबारका को वजू सुहन के तौर पर तिलावत तशरफ हासिल किया है, ये एक ऐसी आयत है, हर कोई इस आयत को जानते हैं, और अल्लाह का करम है आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रहा है कि आप जैसे आला तालीम याफ्ता लोगों के दरमियान में मैं कर सकूं, और ये भी अल्लाह का करम है जो आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अच्छे अच्छे पोस्टों पे आप खड़े हैं दुनियावी लिहाज से, और अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक उस वक्त इस आये मुबारका को नाजिल फरमाते हैं, यहूद दावा करते थे उस वक्त दो मजाहिब इस दुनिया पे छाए हुए थे, यहूद का कहना था नसारा की कोई हैसियत नहीं है, अगर दीन बरहक है तो यहूद है, और नसारा का ये ऐलान था यहूद की कोई हैसियत नहीं है, अगर कोई हक पर है तो दीन हक का है तो नसारा। रब्बे जुल जलाल उन दोनों अधियान को
रद्द करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए यहूद और नसारा, ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा दावा है, और हमारे दफ्तर में सबसे पसंदीदा जो दीन है वो इस्लाम। इन्ना दीना इन्ना इस्लाम। बस रब्बे जलाल के हाँ पसंदीदा दीन इस्लाम। और किसी और आयत में इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तगी गैर अल-इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, अगर कोई इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन लेकर हम तक पहुंचने की कोशिश करे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे। तो दीन इस्लाम वो वाहिद अकीदा है जिसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और अपने बंदों को उस पर चलने की तलकीन की। यहां तक कि हज्जतुल विदा के मौके पर रहमत दो आलम खातम नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तमाम अस्हाबे किराम के साथ जो आखिरी हज अदा की, मनासिक हज अदा करने के बाद तमाम अस्हाबे किराम से एक आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। इस मौके पर अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक सुरूर में आए, मुसलमानों की दिल की कैफियत देखकर, अकीदा देखकर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमति व रज़ितु लकुम अल इस्लाम दीन, किस कदर अब हम इसका क्या कीमत अदा करें। रब्बे जुल्जलाल ऐलान फरमाते हैं, आज के दिन से हमने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, पाए तकमील तक पहुंच गया, और रजीतु लकुमुल इस्लाम दीन, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को हमने बखुशी तस्लीम किया, खुश हुआ। तो ये है दीन इस्लाम, कामिल और मुकम्मल दीन, जिसमें अमन है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, रहमतें हैं, अजमतें हैं, शान है, और मुसलमान होना एक अजीम नियामत से, एजाज से कम नहीं, मुसलमान होना। और आज हमारी हालत है, आज हमारी हालत है, ऐसे उलमा पैदा हो चुके हैं जो कुरान मजीद की एक आयत को लेकर इस्लाम इस्लाम में मौजूद दूसरे गुरुओं के अकाइद पर वो वार करते हैं, उनका अकीदा मजरूह कर रहा है, और दूसरा आदमी दीन दूसरी आयत को लेकर तीसरे गुरुओं पर वो हमला हो रहा है, उनके अकाइद को, उनके नजरियात को मजरूह कर रहा है। किस कदर दुख की बात, आप तारीख इस्लाम उठा कर देखें, एक दौर ऐसा आया कुरान मजीद फुरकान हमीद जो सरचश्मा हिदायत है, जो सरचश्मा हिदायत है तमाम मुसलमानों के लिए, बनिनोए इंसान के लिए, पूरी कायनात के लिए, मगर मुसलमान आपस में कुरान मजीद के बारे में नज़ा पैदा किए, लड़ रहे हैं, कोई एक तरफ से कह रहे हैं कुरान मजीद कदीम है, दूसरा ग्रोह कह रहा नहीं कदीम नहीं वो हादिस है, एक ग्रोह इस्लाम में एक ग्रोह कुरान मजीद को कदीम, एक ग्रोह कुरान मजीद को हादिस, इसे कुरान मजीद के लग रहा आए कि देखें वो कदीम हो या जदीद हो, कुरान मजीद तो है, आयत तो वही है, अहकामात तो वही है, सूरे तो वही है, उस पर हमने अमल करना है, ये नहीं देखा। और इसके बाद खातम नबीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात को मुसलमानों ने मुतनाज़ा बना,
मुसलमानों को लड़ाया गया, एक तरफ से कह रहा है हम खत्म नबी नूरी बशर है और इसी पे फतवा दे रहा था, दूसरी तरफ से आया नहीं खत्म नबी हमारी तरह खाकी बशर है, वहां से फतवा आ रहा था। खत्म नबी की जात नूरी बशर हो या नारी बशर हो खाकी बशर हो उससे हमारा क्या लेना देना, वो खत्म नबी रहमत दुआलम शफी अल मुजनबीन उनके नक्श कदम पर चलने का हमें हुक्म दिया गया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, ये पैगाम दिया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ए मेरे हबीब कह दो उन मुसलमानों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुम मेरी इत्तिबा करो, बस हमने रसूल करीम की इत्तिबा करना था, उनके नक्श पा पर चलना था। कुरान मजीद को मुतनाज़ा और खातम नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ को मुतनाज़ा, और आज मुसलमान मुख्तलिफ ग्रोहों में मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए। आज मेरा पैगाम आपको ये देना खुलासा अल्लाह का, आप हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ रहे हैं या हाथ खोल के नमाज पढ़ रहे हैं, आप वजू करते हुए पांव धो रहा है या वजू करते हुए पांव का मसह कर रहे हैं, पूरे सर का और गर्दन का मसह करता हो या कान में खलाल भी करता हो या सर के एक हिस्से का मसह करता हो, इस वक्त तमाम अकाइद को तमाम मुसलमानों को एक मुकाम पर जमा करना ये नामुमकिन हो चुका है, ये मुमकिन नहीं। हां मेरे पैगाम का खुलासा ये है, खुदा आप जिस मजहब पे हो जिस अकीदे पे हो जिस इमाम को मानता हो, अब देखो अस्हाबे किराम का एक अलग शान है, अइमाए तौहीदीन का एक अलग शान है, हम मुसलमान और उनको मुकाबले में लाकर लड़ रहे हैं, क्या ये हमारे बस में है अस्हाबे किराम का या अइमाए तौहीदीन का शान बढ़ाना और घटाना क्या हमारे बस में है, नहीं। तो हम उन तमाम अकायद और नजरियात को जिस पर हम चल रहे हैं जिस पर आप चल रहे हैं उसके साथ हमने टच भी नहीं करना, उसके बारे में आप हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहे हैं या हाथ खोल कर नमाज पढ़ रहे हैं, मैंने पहले जिक्र किया जिस गुरोह में है जिस अकीदे पे है आपको वही मुबारक। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि सोफिया नूरबाशा वाली है, सोफिया नूरबाशा का अकीदा आप तस्लीम करें, नहीं। हां इस्लाम में बहुत सारी चीजें चंद चीजें ऐसी है जिसमें हम इख्तलाफ करते हैं, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ फतवा देते हैं, अमल को देखें नमाज को देखें रोजे को देखें हर हर चीज में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, वो फुरुआत का इख्तलाफ है, असल इख्तलाफ नहीं, अल्लाह की जात में कोई इख्तलाफ नहीं करता, खातम नबीन की जात में कोई इख्तलाफ नहीं, इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं। इसी तरह अहदीस नबी में कोई इख्तलाफ नहीं। तो आज हम आपको यही दावत देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दो महीने के अंदर तकरीबन 1500 खुशनसीब लोगों ने वजीफा लिया, इनमें से आप में से तकरीबन एक दो रह जाता है बाकी वजीफा लिया, कुछ खुशनसीब चंद सालों से एतिकाफ भी कर रहे हैं। एतिकाफ कुरान मजीद का हुक्म, एतिकाफ अहादीस नबवी से साबित है, एतिकाफ तमाम अंबिया कर चुके हैं, तमाम औलिया किराम ने एतिकाफ किए, एक मुसलमान अमल है इबादत। ताहम अब हमारा पैगाम यही है
आप जिस अकीदे पर हो पांच वक्त की नमाज को न छोड़ो, बस अकीमुस्सलाता वातुज़्ज़का, पांच वक्त की नमाज को न छोड़े और ज़कात अदा करें। और साथ ही मैं युति रसूल फकत अता, हमारे लिए कुरान मजीद के बाद अहादीस नबी और कुरान मजीद के अहकामात को हम तक पहुंचाने वाला रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमूना दिया है खातम नबीन। अब कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया नमाज अदा करें अकीमुस्सलात, और नबी ने फरमाया सुबह दो नमाज, दो रकात नमाज पढ़े, मगरिब की तीन रकतें हो, जोहर असर और ईशा की चार चार रकतें हो, कहीं कुरान में मौजूद नहीं। इसकी तरफ रहनुमाई हमें किससे हासिल होते, रसूल करीम की ज़ात बरकत से। बस पांच वक्त की नमाज को ना छोड़े, साथ ही मैं युति रसूल फकत अता, खातम नबीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत हमें अता किए हैं उस पर अमल करें। और कुरान मजीद की तिलावत एक एक आयत नहीं, एक एक लफ्ज भी नहीं, एक एक हरूफ का दस दस हसना है। कुरान मजीद की तिलावत 24 घंटे में जरूर करें, और तिलावत के साथ तर्जुमा और तर्जुमे के साथ उसको समझने की कोशिश करें, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और कुरान मजीद हमें किस चीज की रहनुमाई करते हैं। कुरान को समझकर कुरान फहमी बहुत जरूरी है। और नवाफिल नफिल नमाज की तीन कस्में हैं, फर्ज, सुन्नत और नफिल। नफिल इसकी अहमियत इस कदर है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, अल्लाह का कोई भी बंदा अल्लाह का मुकर्रब नहीं हो सकता जब तक वो बकसरत नफिल अदा न करे। इसलिए हमें बकसरत नफिल अदा करने की भी जरूरत। और मुनीर साहब ने इतिकाफ के बारे में थोड़ा सा झलक पेश किया, जिगर तमाम मजाहिब एतिकाफ करते हैं मस्जिद में, उनका बाकायदा निसाब नहीं है। मैं अहले तशय्यु वालों के साथ और अहले सुन्नत वाले दोनों के साथ मुझे रहने का मौका मिला, और मैंने इस्लामी तालीम हासिल की है जामे नईमिया लाहौर से और जामे गौसिया लाहौर से, इन मदारिस से मैंने इस्लामी तालीम हासिल की, तो मैं करीब से उनको जानता हूँ। वहाँ एतिकाब मस्जिद में बैठने का नाम, पांच वक्त की नमाज का जमात अदा करना और तिलावत करना, जिक्र करना, बाकी सो भी सकता है, बातचीत भी कर सकते हैं, दिगर कुतुब का भी मुतालिया कर सकते हैं, मगर सोफियन और बादशाह के अंदर एतिकाब का बाकायदा नियत है, एतिकाब में बाकायदा निसाब है, और इसमें वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फतूहु बिहा वस्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून के मुताबिक हम एतिकाफ के अंदर जिक्र कसीर करते हैं। जिक्र कसीर का अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना कबूल, एक। दूसरा बकसरत नवाफिल अदा करते हैं। तीसरा पांच वक्त की नमाज बाजमात और सुन्नत रसूल हम अदा करते हैं। इसके अलावा एक टाइम कुरान मजीद की तिलावत के लिए हम मुख्तस करते हैं। तो इस तरह टाइम फिक्स किया होता है और दिन रात वहां लगे रहते हैं अल्लाह ताला की बंदगी में। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, कुरान मजीद ने खुद इरशाद फरमाया ए मेरे फरिश्तों ऐसे बंदे भी हैं मेरे जो दिन रात अल्लाह की बंदगी में लगे रहते हैं। والذين वो लोग يبيتون لربهم سجدا وقياما, और एक पहचान भी बता दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम والذين معه اشداء على الكفار وهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا,
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तमाम मुसलमान जो आपके साथ है, कुफार के मुकाबले में इंतहाई सख्त और आपस में इंतहाई रहमदिल मेहरबान, आपस में एक दूसरे पर शफकत करने वाला, मेहरबानी से पेश आने वाला, नरम मिजाज, और काफिर के मुकाबले में उनसे बढ़कर सख्त और कोई नहीं। अभी हमने देखना यह है, क्या काफिर सिर्फ वही है जो इंडिया में बसते हैं? काफिर सिर्फ वही है जो अमेरिका में है? काफिर सिर्फ वही है जो रूस में है? हाँ, वो भी काफिर जो कलिमा पढ़ने से महरूम है, वो भी काफिर है। मगर सबसे पहला काफिर कौन था? वो शैतान। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, एक सजदा करने से उसने इनकार कर दिया और वो काफिर हुआ। आज सूफिया नूरबासा जो एतिकाफ करते हैं, उस एतिकाफ में सबसे बड़ा मुकाबला होता है शैतान के साथ, वो बड़ा काफिर है, और नफ्स हमारा के साथ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का एक निशानी, एक नमूना यही बताया, तराहुम, तुम देख लेंगे उनको, रुकान सुज्जदन, कभी रुकू करते हुए कभी सुजूद में, यब्तगूना फजलन मिनल्लाहि वरिज़वान, अल्लाह ताला के फजल व करम की तलाश में और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने। तो ये चीजें हैं जो आलम इस्लाम में मुतफिक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत करना, उर्द वज़ाइफ़ का इस्तेमाल करना, और जो कोई अगर वजीफा करना चाहे इसके लिए, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा करना नहीं चाहूंगा, एक आयत, वमा यज़कुरून इल्ला अय्यशा, अब ये काबिल गौर है, वमा यज़कुरून इल्ला अय्यशा अल्लाह व अहलु तक्वा व अहलुल मग़फिरा, कोई भी जिक्र नहीं करता जब तक अल्लाह की तौफीक शामिल हाल ना हो, जब तक अल्लाह ताला उस बंदे से खुश ना हो। जब अल्लाह की खुशनुदी उस बंदे के शामिल हाल होंगे, फिर वो जिक्र इलाही में लग जाएंगे, फिर वो अल्लाह ताला के जिक्र शुरू करेंगे। अब वो जिक्र करने वाला कौन होगा? हुआ अहलु तक्वा, कुरान मजीद ने सनद जारी किया, वही लोग तो मुत्तकी हैं, वही लोग तो परहेज़गार हैं, जिक्र करने वाले। वह अहलुल मग़फ़िरा, और क़यामत के दिन यही लोग बख्शिश पाने वाले, मग़फ़िरत वाले यही हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग़ इस्लाम का बड़े जोश व खुरूश से और अजियत के साथ मुसीबतें झेल कर तबलीग कर रहे थे। इतने में कुफारे कुरैश आकर अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ जितने लोग बैठे हुए या गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, आप एक दिन इनके लिए, एक दिन हमारे लिए खास करें, या तो उनकी तरफ पुश करें, हमारे तरफ मुंह करें, आप तबलीग करें, इन मुमकिन है हम आपकी नसीहत को तस्लीम करें, कबूल करें, मगर उनकी दिलों में अनाथ थी, उनके दिलों में अनाथ थी। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक ने सख्ती से मना किया अपने नबी को, वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यत्कूना रब्बहुम बिलगदाति, ए मेरे प्यारे रसूल, आज आप सब्र के साथ उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ तशरीफ लाएं, रखें जो सुबह शाम हमारा जिक्र करते। वो जिक्र करने वाले कौन थे? अस्हाबे सुफा, कभी 20 कभी 300 तक पहुंचा है अस्हाबे गिराम में से, जो अक्सर और बेशतर मस्जिद नबवी में उस चबूतरे पे इबादत करते थे, आज भी वो चबूतरा मौजूद है, और तमाम हुज्जाज गिराम वहां जाकर नफिल पढ़ने, हाजत की नमाज पढ़ने, दुआ करने के लिए तड़पते हैं उस जगह पर। उस जगह पर सुबह शाम
अल्लाह का जिक्र करने वाले कौन थे? अस्हाबे सुफा। तो ये एक ताब, ये आपके साथ तकरीबन दो महीना का अरसा गुजर गया, किसी के साथ कई बार मुलाकात का शरफ हुआ और किसी से एक दफा, किसी से दो दफा। अब तकरीबन यहाँ गर्मियों में हम आ नहीं सकते, सरहद इलाके वाले हैं, और खुसूसन अभी शाबान के 17 तारीख से हमारा 40 दिनों का इतिकाफ शुरू होता है, रमजान मुबारक का पूरा महीना और शाबान का 10 दिन लगाकर कुल 40 दिनों का इतिकाफ हर साल मनाते हैं। तो उस एतिकाफ के लिए एतिकाफ का इत्तेमाम हम खुद करते हैं, उसका भी उसमें भी जाना ज़रूरी है। और दूसरा अभी आपने देख लिया चक्चन मोहल्ला, जो कि हमारे हैदराबाद साहब ने थोड़ा सा तारुफ किया, वहाँ पर हमारे खपुलू का, हमारे जिला गांछे का सबसे बड़ा बुतखाना था, एक लोहे का घोड़ा था, लोग उसकी पूजा पाठ करते थे बुत मत के पैरों। हजरत अमीर कबीर सैयद अहमदानी ने, जो कि आलम इस्लाम में इस वक्त शाह हमदान के नाम से मारूफ है, आपने वहाँ अपना करामत दिखाया लोगों के तकाजे पर, और वो लोहे का घोड़ा अब भी उस चबूतरे में मौजूद है, उसके ऊपर एक आलिशान मस्जिद बनी है। फन तामीर के लिहाज से, कशीदाकारी के लिहाज से, चौबकारी के लिहाज से और संगीरी के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद मस्जिद है वो, उसकी जाहिरी हुसन भी और बातिनी हुसन भी। उस मस्जिद में 10 रोजा इफ्तार जारी है, 25 तारीख को वहां से इंशाल्लाह ताला 10 रोजा इफ्तार खत्म पजीर होगा। उस दिन ईद का बड़ा जलसा मनाते हैं, उसमें भी शामिल होना है। तो आपसे जुदा होते होते मैंने यही सोचा कि आपसे एक बार मुलाकात करूं, गो कि अल्लाह का करम है 150 के लगभग, उसमें से 40-50 ख्वातीन ने भी वजीफा लिया है और मर्द के साथ ख्वातीन भी वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हजरत फातिमतुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि लख्ते जिक्र रहमतुल आलम है, आपने तस्बीह फातिमा अपनी प्यारी बेटी के लिए वजीफा दिया, जो कि तमाम मुसलमान पढ़ते हैं इस वक्त, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो इसके अलावा आप जिला गांछे के बारे में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री भी है, मुख्तलिफ आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे। अगर मुख्तसर तारुफ किया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बुलंद तरीन महाज जंग पाक इंडिया बॉर्डर से, और बहुत सारे हमारे जवान वहाँ शहीद भी हो चुके हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर के दामन में एक बहुत खूबसूरत वादी है जो जन्नत नज़ीर है। खैर, अपने इलाके की हर कोई तारीफ करता है, मगर आप को मौका मिले, बाल साहब ने कसरे नफसी का इजहार किया, एक झोपड़ी है, एक हट नहीं, एक आलिशान इसका गेस्ट हाउस है करम लाज के नाम से, जो रोजाना एक कमरे का पता नहीं है 50,000 लेते हैं, 30,000 लेते हैं, 12,000 लेते हैं, 5,000 में सबसे छोटा जो होटल होता है उसमें 5,000 एक बेड का एक रात के लिए। तो अजय अकबाल साहब ने आपको दावत दी कि आप तशरीफ लाएं, 10 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, ये फ्री आपको बिठाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं देंगे, क्यों अजय साहब? बिल्कुल जी, आपकी मेजबानी, आपकी मेजबानी का इनको शरफ हासिल हो जाए, वही दौलत है, वही पैसा है, आपसे क्या पैसे लेना, आप तो हमारे रूहानी भाई बन चुका है, जो वजीफा पढ़ते हैं वो हमारे रूहानी भाई है। तो इंशाल्लाह ताला, और मेरा रहायशगाह करीब खाना का है, 24 घंटा खुला रहता है, हमारे वहाँ घर पे कुंडी नहीं लगती, अंदर से लाभ नहीं होता, बस ज्यादा से ज्यादा दस्तक देने वाले दस्तक देते, वरना दस्तक भी नहीं आते, चले आते। हमारे वहां मिलने के लिए टाइम लेने की या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सब गुल मिलकर बैठते हैं, हम सब एक दस्तरखान पे खाते हैं, एक दस्तरखान पे पीते हैं,
और एक साथ बैठते हैं। यहाँ तक आपने पिक्चर में देख लिया कि हम अपने खेतों में बेचा लेकर कुदाल लेकर काम भी करते हैं, हम अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के घरों में भी जाकर खेतों में भी जाकर हम काम करते हैं। क्योंकि ये काम करना जो काम में अजमत है ना, अल कासिब हबीबुल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने हमें मुलाजिमत के लिए, कारोबार के लिए, दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा है, ये दुनिया में रहने के लिए एक असबाब है। वाकई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे अच्छे पोस्टों पे लग जाएं, मगर सबसे पहले मुसलमान बने, सो मुसलत का पाबंद। बस ये हमारी तरफ से आपको दावत है, और जो बातें मैंने आप तक पहुंचा दी है, इनमें अगर कोई ऊंच नीच हुआ है या कोई सवाल पैदा होता है, आप बिला झिझक बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया आपके जहां के जो पीर और मुर्शिद है उनकी तरह हम नहीं है, हम आम लोगों की तरह बैठते हैं, और किसी को अपने हाथों से खिला कर हम खुश होने वाले हैं जो हमारे हाथ पास होते हैं, जो हम से खिदमत हो सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम में से हर एक के दिल में नूर हिदायत रोशन है, ये पाकिजात सईदुल आरफीन शाह सैयद महमूद नूरबख्श का इरशाद गरानी है, ताज़ीमन लि अम्रिल्लाह व शफ़क़तन अला ख़ल्क़िल्लाह, ए अल्लाह ताला तेरा जो जो हुक्म है उसको तामील करने का हमें तौफीक अता फरमा, और मखलूक खुदा चाहे बिच्छू और डसने वाला सांप ही क्यों ना हो, उस पर भी शफकत करने का हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह पांच वक्त की हमें नमाज और सुन्नत रसूल का पाबंद फरमा, और हलाल कमाई से खाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम से मखलूक खुदा की तेरे मखलूक की खिदमत का हक अदा न भी हो, उनकी खिदमत करने के हमें तौफीक अता फरमा। ए पाकिजात मेरे ये सारे मेहमान मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाया है, इन सब को एक एक कदम के उजरत में या अल्लाह या आप हजारों सैकड़ों हसना अता फरमा, हमारी दुनियावी जिंदगी भी संवार ले और उखरवी जिंदगी भी संवार ले। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों के घरों में कोई मुश्किलात थे वो तमाम मुश्किलात हल हो जाए, परवरदिगार जो जो मसाइल का शिकार है वो तमाम मसाइल बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद फौरी तौर हल होने की तौफीक अता फरमा।